आज आंदोलन को 40 दिन हो चुके हैं और रात का टाइम है, सर्दी भी बहुत भयंकर है, लेकिन पूर्ण रूप से लोग इस सर्दी में भी डटे हुए हैं। और बहुत वे गांव हैं जो गांव आज से 30 साल पहले 32 साल पहले दिल्ली में आए, उनके पिताजी उनके बाबा मेरठ के आंदोलन में शरीक हुए, उन्होंने गए चीजें बताई कि हम 32 साल पहले भी दिल्ली में, हमारे जो बुजुर्गवार है वे आए दिल्ली में, मेरठ के आंदोलन में भी शरीक हुए। और एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि बुजुर्गवार कम है और जो यूथ है, यूथ बहुत जबरदस्त तरीके से आंदोलन में आया हुआ है। उससे ये लगता है कि यूथ का रुझान आज गांव की तरफ गया, उसकी समझ में आ चुका है कि बगैर खेती के मेरा गुजारा होने वाला नहीं है, नौकरी चली गई मेरी, मुझे जमीन को नहीं जाने देना है। और ये लगता है कि पूरा जो यूथ है, हम जितना भी रात को भी देखेंगे दिन में भी देखेंगे, 75% युवा इस आंदोलन का हिस्सा है। जो बुजुर्गवार है वे गांव में है, यूथ ने कमान अपने हाथ में ले ली है और ये जब ही जमीन हमारी बच सकती है जब युवा शक्ति इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाएगी। मेरा अपील है कि आप 23-24 तारीख में घरों से निकले, गांव दर गांव होते हुए निकले, सड़कों की बजाय छोटे गांव का आप रुख करें, तिरंगा झंडा लगाएं, अपना दूसरा जो ध्वज है वो भी आप रखें, क्योंकि जो 26 तारीख में 25 और 26 तारीख हमको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं कि कौन राष्ट्रवादी है कौन बाहर का है। बड़ी परेड, बड़ी भव्य परेड देश में निकलेगी, एक ऐतिहासिक 70 साल बाद में भी एक बड़ी परेड देश में। अभी सीड बिल है, बीज पुलिस बनेगी देश, तो सीड पुलिस देश में बनेगी। पेस्टिसाइड बिल आ रहा है, अगर ये 3 बिल वापसी नहीं होते तो 2 बिल और पाइपलाइन में है, बिजली वाला है, और है बहुत से ऐसे हैं कि किसान की जमीन आप कोई बचा नहीं सकता। ये हमें जमीन बचाने की लड़ाई है, अब फसल बचाने की लड़ाई नहीं, अब जमीन बचाने की लड़ाई है। इस आंदोलन में सब लोग को शरीक होना है, शांतिपूर्ण तरीके से होना है, बराबर वाला भी कोई झगड़ा करे उसको भी हमको रोकना है, हमको झगड़ा नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हमको करना है। 70 साल बाद में देश में ये स्थिति आएगी, इसका अनुमान देश के नौजवान को नहीं था। हम यहाँ पे पूरा जो यूथ है, पूरा हर जिले से यहाँ पे नौजवान साथी यहाँ पे आ रहे हैं, अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं, लंगर भंडारे का सामान पूरा आ रहे हैं। जो आप भारतीय किसान यूनियन जो ये तालमेल है, जो आपस का गठबंधन है, ये बहुत दिन बाद में ऐसा गठबंधन देखने को मिला है। यहाँ संगठन झंडे आदमी का सबका महत्व खत्म हो चुका है, यहाँ पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से किसान है, छोटा दुकानदार है, व्यापारी है, आम कंज्यूमर है। जो इसमें सब लोग शरीक हो गए हैं, यहाँ पर बहुत से शहर के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी फैमिलियों को लेकर आते हैं, वे दिखाते हैं कि क्या हालात आज किसान के, तो उन सबका भी धन्यवाद। सभी शहरी वासियों को, उनको आज पता चला है कि जो ये महंगाई है क्यों महंगाई है। किसान 2 रुपया किलो आलू बेचता है, यहाँ पर 40 रुपये किलो मक्का का आटा, 8 और 10 रुपये किलो मक्का बेचता है, यहाँ पे 140 और 120 रुपये किलो। बाजरे का रेट 11 रुपया किलो और यहाँ पे 65 रुपया किलो। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को देखने के लिए शहर के लोग यहाँ पाते हैं। ये लड़ाई सबकी है, ना किसान की लड़ाई है ना वैसों की है, ये पूरे आम देश की जनता की लड़ाई है। इसमें सब लोग शरीक हो। धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत। यहाँ पे किसान क्रांति गेट से राकेश टिकैत और समस्त हमारे साथी किसान।